रेडमी नोट 4 के लिए सियाडोय 10.0 का जैसे कि अभी रिव्यू किया था कुछ दिन पहले, तो उसी दिन जो है न्यू अपडेट भी आ गया था इसका 10.1 का। तब इसमें देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए थे। हालांकि ज़्यादा बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू नहीं करूँगा, ऑलरेडी कर रखा हूँ तो आप वाई बटन पर दे दूँगा तो देख लेना। बट उसके बाद क्या क्या चेंज हुआ इस अपडेट में, सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि सीआर ड्रॉइड का ये 10.1 का अनऑफिशियल एंड्रॉइड 14 बिल्ड है, सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है जनवरी 2024 का और कर्नल सेम है डार्क मून वाला जो था पिछले में, वही सेम वर्जन का। अब यहाँ पे QS पैनल के अंदर थोड़ा बहुत लैग इसके अंदर करते हैं जो कि पहले भी था, तो अभी भी आपको ये मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका सेम सेटिंग्स के साथ है, बाकी अगर इसके एडिट में जाते हो तो कोई भी टाइल्स आपको न्यू देखने को इस अपडेट में नहीं मिलता। जो भी था चेंज पिछले में आपको बता रखा हूँ, बट इस अपडेट में चेंज नहीं है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी थोड़ा लैग होता है। वॉल्यूम पैनल सेम ही रहेगा तो यहाँ पर भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन आपको जो है थोड़े ठीक मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, खासकर एनिमेशन स्केल से जो है 0.5x कर दोगे थोड़ा बेटर रहता है। एनिमेशन रीसेंट सेम है। अब यहाँ पे अगर बात करें कैमरे को लेकर के, तो ग्राफीन ओएस वाला कैमरा इनबिल्ड इसके अंदर आता है प्री इंस्टॉल, बाकी जीकैम आप यूज़ कर पाओगे। डॉल्बी एटमोस मिल जाता है इसके अंदर, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। NFM मिल जाता है, गैलरी नॉर्मल है, बट गूगल फोटो अगर आप इंस्टॉल करते हो इसके अंदर में तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। ओके गूगल का ज़रूर यहाँ पे बग रहता है, बाकी इसके अंदर एक म्यूज़िक प्लेयर पर इंस्टॉल मिल जाएगा, वाइपर इफेक्ट्स ये भी दिए गए, तो दो साउंड इफेक्ट आपको इसके अंदर मिलते हैं जो कि दोनों ही तगड़े हैं। अब गेम स्पेस का यहाँ पे लोगो जो है आइकन है वो चेंज हो चुका है, बट सेटिंग में ऐसा कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और कुछ सिस्टम के एप्लीकेशन भी अपडेट किए गए हैं, बाकी और ऐसा कोई चेंज आपको नहीं मिलता है। प्ले स्टोर ये है कि पिछले में आपको सर्टिफाइड मिलता था, बट अभी यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड है, उसे कर्नल इशू ये सपोर्ट करता है। प्ले स्टोर कैसे सर्टिफाइड करना उसका वीडियो अभी लेटेस्ट में बनाया, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो देख लेना। और वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर वैसे सेटिंग में चेंजेस नहीं हुआ है, बट हाँ जो वॉलपेपर मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेता है, बाकी वॉलपेपर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बट सेटिंग में जैसे कि आपको बताया कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। लॉक्सिन के अंदर भी जाते हो तो यहाँ पे भी मोड लॉक्सिन के अंदर भी हमारा जो सेटिंग्स इसके अंदर है वो आपको पहले वाली ही देखने को मिल जाती है। कॉलिंग के अंदर कैरियर वीडियो कॉल का जैसे कि बग है, बग रहेगा। एंड इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये हमारा काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है और ब्लूटूथ डिवाइस वो भी हमारा मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा इसके अंदर बैटरी है 2 आवर 50% ब्राइट स्पीड वीडियो प्ले करने के बाद 84% मिला है, पिछले में 82 था, तो हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिला है। एंड चार्जिंग देखें तो 54% चार्ज करने में 2 आवर का टाइम इसके अंदर में लगा है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके सेटिंग्स के बारे में, तो सेटिंग में नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलता, कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। कास्ट थोड़ा सा कनेक्शन में मेरे को दिक्कत लगा है, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अंदर आपका कंबाइन जो कि क्लोन्ड ऐप है ये सब काम कर रहा है, और लॉन्चर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो लॉन्चर में अभी भी यहाँ पे गूगल सर्च जो है बॉटम पे जो रहता है वो अभी भी इसके अंदर ऐड नहीं होता। गूगल ऐप इंस्टॉल करने के बाद में भी आप देख सकते हो ये अभी भी यहाँ पे खाली रहता है, यहाँ पे ये जो शो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है जो कि मेरे हिसाब से अपडेट के साथ ठीक होगा आगे। एंड यहाँ पे बैटरी के अंदर जाते हो तो बैटरी यूजर्स ये सब चीज़ आपका सेम ही रहेगा वैसे तो, यहाँ पे जो सेटिंग्स यानी कि जो सेम है। सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में भी यहाँ पे ड्रैग साउंड सेंसर बिल्कुल काम कर रहा है, इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्प्ले के अंदर आते हो तो डिस्प्ले के अंदर भी आपको यहाँ पे जो है सिमिलर सेटिंग्स ही मिलेगी, तो यहाँ पे भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आते हो तो फेस अनलॉक ऐड कर सकते हो, यहाँ से फिंगरप्रिंट भी जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सेटिंग सेम है। बट मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाओगे तो इसके अंदर जो है ऐप लॉक ऐड किया गया था, ऐप लॉक इस अपडेट में आपको न्यू देखने को मिलेगा, तो ऐप लॉक फाइनली इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। और ये सिस्टम एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है, तो आराम से आपको ऐप को जो है हाइड भी आप यहीं से कर पाओगे, ऐप लॉक भी लगा पाओगे। और जो ऑटो लॉक टाइम आउट है इसके अंदर 5 सेकंड से 30 मिनट तक का, जैसे एंड्रॉइड 13 में हुआ करता था उसी टाइप से यहाँ पर मिल जाता है और ऐप लॉक काम कर रहा है। वैसे रोम इनक्रिप्टर रहेगा, डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। बाकी हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है और जो इसका फेस अनलॉक है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट ऐप लॉक अब ऐड कर दिया गया इसके अंदर में,
और फिर आते हैं हम यहाँ पे सी आर ड्रॉइड सेटिंग में। बट यहाँ पे आपको बता दूँ इसके अंदर एक भी चेंज नहीं हुआ है, तो जो पहला वाला प्रीव्यू था वो आप देख लेना सारी सेटिंग्स के बारे में जानना है तो। एंड नेविगेशन बार यहाँ से अगर आप इनेबल करोगे तो फिर सिस्टम के अंदर जेस्चर में जाओगे तो वहाँ पर शो करेगा नेविगेशन मोड, तो वहाँ से आप जेस्चर का यूज़ कर पाओगे। बाकी ऐसा ये शो नहीं करता, और जेस्चर के जो सेटिंग्स ऐसे फिलहाल सेम ही है, अपडेटर है। बाकी डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा, हालांकि अपडेटर हमारे काम का है नहीं। एंड इसके अंदर इंटूट स्कोर हमारा 163,000 है, पिछले में 162,000 था, जो कि सिमिलर है, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं है इसके अंदर में। अब यहाँ पे जो है गेम स्पेस भी हमें पहले जैसे मिलता है, इसका लोगो ज़रूर चेंज हुआ है बट ऐसे यहाँ पर उस सेटिंग में यहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं मिलता, सिमिलर है। और इसके अंदर जो ग्राफिक है स्मूथ पे 90% लोक है, बैलेंस में मीडियम है, बट स्मूथ पे एक्सट्रीम तक हम खेल पाएंगे, उसके आगे हमारा ग्राफिक सपोर्ट नहीं करेगा फ्रेम रेट। एंड अब यहाँ पे अगर बात करूँ गेमिंग को लेकर के, तो गेमिंग अभी भी आपको ज़्यादा अच्छी इसके अंदर नहीं मिलने वाली, तो गेमिंग के मामले में तो बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। बट एनिमेशन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के साथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, हालांकि फिर भी अगर हम देखें तो इसके अंदर थोड़ा एनिमेशन लैग होता है, वो चीज़ आपको मिलेगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा और बढ़ जाता है। बट गेमिंग के मामले में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, तो गेमिंग तो इग्नोर ही करो फिलहाल मेरे हिसाब से। या फिर अगर यूज़ करना है तो एंड्रॉइड जो 10 के हैं, कॉर्वस, रोमी, सब नोट 4 के लिए ठीक है, उनमें आप गेमिंग थोड़ा कर सकते हो। बाकी इन सब में थोड़ा हैवी ही लैग देखने को मिल जाता है, काफ़ी स्लो सा फील होगा, जायरो वायरो भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बट चेंजेस इस अपडेट में अगर हम देखें तो जो आपको बताया वही हुए हैं, और कुछ यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता इसके अंदर में। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में, आगे कोई रोम्स आते तो मुझे डीएम भी आप कर सकते हो नॉट 4 के लिए, तो टेस्ट मैं कर लूँगा। बाकी यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।